बैग को कहाँ रख रहे हैं यार? एग्जाम का डर से भाई, एग्जाम होता है रे। ये कश्मीरी फ्लेवर का है, कौवा कितना मस्त है ना। मैं जी अभी तेरा थोड़ा सा बात लेते हैं। तुम लोग ये गरम है? अरे साला गौमूत्र पी रहे सुबह सुबह। जिंदगी में कश्मीर का हवा सुना तो था केसर, अभी पी रहे हैं तो समझ में आया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय YouTube चैनल एसडी ब्लॉग परमेश्वर भगत। फिलहाल मैं अभी उठा हूँ। मैं अभी उठे हैं तो फिर ऐसे नहीं दिखेंगे, तो फ्रेश वैस होते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। रात भर सोया नहीं है। हाँ, सोने कहाँ दिया है, गुर्रा रहा था जो रात को। सगुन तेरे को बाद में देंगे, पहले एग्जाम फाइट कर ले। चल 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 चलते हैं। अरे भाई जल्दी निकल ना। अरे कुछ भूल तो, अरे मेरा बैग भूल गया। मेरा हेलमेट दे देगा ना कैसा? मेरा तो और ज्यादा सरकारी है। अच्छा लग रहा है तुम्हारा, मेरा थोड़ा और सरकारी हो गया है। देख ना मेरा, देख तेरा, देख करिया है, बात अलग है। बात वैसे ही है, दोनों काले हैं। अच्छा लगता है यार, कंफर्ट तो लगता है, ठंडा तो कम से कम बचाता है। गाड़ी कहाँ गया बोल रहे थे, और नीचे उतरना है ना। वो सिनसिनाटी, मैं इतना हड़बड़ में हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा है मैं ब्लॉगिंग करूँ या फिर क्या करूँ। वो जूलियस रहता था, रुका था आगे साइड में, तो फिर मैं पहले आ गया था, तो फिर वो ऑटो से यहाँ घड़ी चौक आया था। अभी यहाँ इसको यहाँ से उठा के मेरे को जाना है अभी गोदड़ी मार्केट, जहाँ अपना एग्जाम सेंटर दिया हुआ है। तो हड़बड़ ही है, टाइम वैसे 9:20 हो गया है। अरे बाप रे, भयानक डर लग रहा है। तो गाइस हम लोग अंदर आ गए हैं। पिछले बार जब आया था तो मेरा फ़ोन जमा हो गया था, अभी पता नहीं मना करेगा। मोबाइल वगैरह कहाँ रखना है यार, बैग वैग आगे दीवार के पास। बैग कहाँ रख रहे हैं यार? फोन वोन अंदर रख ले रहा हूँ भाई, बाद में मिलते हैं। कैसा क्या पेपर तेरा? हिंदी का तो पूरा बनाया हूँ। हिंदी का पूरा बनाया? लास्ट टाइम पे हिंदी का बना रहा था मैं, अभी 10 मिनट गणित में भुलाया था, मैं गणित में भुलाया था साला मैं। आप मेरे को फोन करना ना। और वो वाला बर्फ शक्ति वाला 10 फुट में 10 ही तो था सब, वो वाला में ना कम से कम 25, मतलब ना उसमें मैं 7-8 सही बनाया, मैं सबको सही बना दिया उसमें, काक तो गलत बनाया। तो मैं फिर से पहुंच गया यहाँ पे गांधी चौक में, जूलियस को टाटा बाबा करूँगा। ये जाएगा उधर, मैं जाऊँगा इधर। मतलब एग्ज़ाम हॉल से हम एकदम हड़बड़ी से निकले हैं, बाकी बात करते हैं उधर पहुंच के। हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे घर में ना। सकल वकल की तो वाट लगी हुई है, पूरा बाल पूरा स्ट्रेट हो गया रे, हेलमेट पहन के। हे गाइस, तो मैं बतौली से आगे निकल गया था और बस यहाँ बैठा था, चिल कर रहा था, अकेला अकेले बैठ के मैं केला खा रहा था। ये वाला छिलका, फिर वहाँ छिलका है। अरे मेरा सिनसिनाटी। तो मैं बताया नहीं था कि अंबिकापुर में किस ले गया हुआ हूँ। मैं गया था SI का एग्ज़ाम देने के लिए, जो अभी व्यापम ले रहा है, और ये वाला एग्ज़ाम रुका हुआ था पिछले 4 सालों से, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार रोक के रखी हुई थी, बट फाइनली एग्ज़ाम हो गया है और अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठा हूँ। बाकी एग्ज़ाम का बात नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा।
हाँ, इससे पहले भी जब मैं फिजिकल क्लाय हुआ था, जो प्रारंभिक नापतोल हुआ था, उसका भी ब्लॉग डाला हुआ था। आप लोग नहीं देखे हो तो देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। वैसे मैं अंबिकापुर में घूमने का प्लान बना के रखा हुआ था, बट अकेला था तो फिर मैं इधर उधर जाने का नहीं सोचा। बट अकेला आदमी क्या कर सकता है, एक दर्जन केला लाया हूँ, खा रहा हूँ धीरे धीरे। और ये N160 में ना, पता नहीं है क्यों, कल जब जा रहा था ना तब भी इंजन लाइट ब्लिंक कर रहा था, मतलब जो पिछला वाला व्लॉग में देखा होगा। तभी जब आ रहा था ना तो रघुनाथपुर जस्ट मैं टच किया हुआ ही था कि तब भी इंजन लाइट जल ही रहा था। शायद शोरूम में एक बार दिखवाना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा, नहीं तो वेतनधारी मेरे को सुनाएगा फिर। वैसे NS को ज़्यादा भगाया तो नहीं मैं, इसको मैं भगाया था लास्ट 110 तक। उसके बाद फिर अपना ये वाला हेलमेट ना मेरे सर में ही नाच रहा था, तो फिर मैं नहीं भगाया, फिर आराम से आ रहा था। तो निकलते हैं फिलहाल यहाँ से, काफ़ी देर बैठा। और जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ना, यहाँ पे गन्ने की खेती है, इधर भी है और इधर भी है। मैं उधर से तो आया, उसके बाद फिर ये वाला पगडंडी वाले रास्ते से बाइक को इधर कर दिया, तो इधर जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है लोगों को, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोग देख रहे हैं। आज मॉर्निंग से ही ना मैं एकदम हड़बड़ हो रहा हूँ, मैं पता नहीं क्यों, मतलब एग्ज़ाम के डर से शायद हैं। तो मैं जब सुबह उठा उसके बाद फिर हड़बड़ी से तैयारी हुआ, हड़बड़ी से फिर अपना सेंटर पहुँचा, उसके बाद फिर हड़बड़ी से जूलियस को भी लेने गए हड़बड़ी से, उसके बाद हड़बड़ी से भी आया एग्ज़ाम सेंटर फिर से, और पूरा हड़बड़ से एग्ज़ाम के डर से भाई, एग्ज़ाम होता है रे। तो फिलहाल तो निकलते हैं यहाँ से। आई होप आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है लाइक डिसलाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से तो निकलते हैं, और हाँ मैं डब्बू को फ़ोन भी नहीं किया कि निकले करके, ही तो फ़ोन करते हैं। अभी 4 बज गया था और मैं कांसावेल पहुँच गया था, अभी सिनसिनाटी को नहलाएंगे, मज़ा आएगा। ये जब से शोरूम से निकला था ना तब से इसको नहलाया नहीं था अच्छे से, मतलब वेतन धारे तो ऐसे ही धोता था रोज दिन, बट आज इसको अच्छे से नहला देते हैं। ऐसे कभी नहाया था, नहा ले। चलें सिनसिनाटी, नहा तो लिए, 50 रुपये लिए, यहाँ से दिखवाया मैं। मेरा मन नहीं किया ना तो फिर मैं लेके आ ही गया शोरूम। धीरे धीरे भाई, किसी के गाड़ी को करने में कहा जाता है तुम लोग को। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ लेकिन वो मैकेनिक भाई सब आ ही नहीं रहे, पता नहीं टेस्ट राइड के लिए कितना दूर गया है। 10-15 मिनट लगा आया टेस्ट राइड पे, बट बोल रहे कि अभी ठीक है करके, चला कर देखते हैं फिर बताते हैं आपको भी। तो बेटा फीलिंग गुड, अभी तुम्हारी तबीयत फिर से ठीक हो गई। अभी इंजन लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा, मतलब जल नहीं रहा। स्टार्ट करूँगा तब पता चलेगा। अभी चालू, ठीक है निकलते हैं यहाँ से। मैं सोनू के लिए भी नाश्ता ले लिया, अब अच्छा लग रहा है मेरे को भी। रूम तो आ गया मैं, मतलब घर आ गया, और लाइट नहीं है,
अरे ऐसे करेंगे तब तो दिखेगा। मैं सोनू के लिए भजिया वजिया लाया था लेकिन वो घर में नहीं है, इसको छुपा देते हैं। मैं भी खाऊंगा, खाना खा के नहीं आया था ना मैं, भूख लग रहा है मेरे को भी। लाइट नहीं है तो क्या क्या करना पड़ता है लाइट के लिए, ये बड़ा वाला टॉर्च। तो मैं घर पहुंच गया था और अभी फ्रेश व्रेश होऊंगा, चेहरा वगैरह धोऊंगा, काफ़ी ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि नहाया भी नहीं हूँ ना और कल के कपड़े में हूँ। तो मैं कल कहीं जाने वाला हूँ, आपको दूसरे वाले व्लॉग में पता चलेगा। तो अभी शोरूम पे मैं दिखवाया सिनसिनाटी को, तो फिर वो लोग बोले कि फ्यूल पंप में कुछ दिक्कत रहती है, कचरा वचरा फंस जाती है इसलिए इंजन चेक लाइट जल जाती है। काफ़ी अच्छा लगा सिनसिनाटी के साथ में लंबा राइड करके, अभी मेरे हाथ भी जम गए हैं उसमें क्योंकि काफ़ी लंबा आना जाना हुआ। तो और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। लो तो For so long, I was living my life, was so wrong.